सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, प्यारी अध्यापिकाएं, माता पिता और मेरे सहपाठियों, मेरा नाम सलोनी है और मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूं। आज मैं आप सबके समक्ष गणतंत्र दिवस पर अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए आई हूं। हम सभी जानते हैं कि भारत हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाता है। यह आने वाला गणतंत्र दिवस भारत का 73वां गणतंत्र दिवस होगा। यह गणतंत्र दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उसी दिन 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू किया गया था, जिसे बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिनों का वक्त लगा। हर साल यह कार्यक्रम भारत राजपथ पर आयोजित करता है। राजपथ पर 8 किलोमीटर की परेड निकाली जाती है। यह परेड राजपथ से शुरू होकर इंडिया गेट होते हुए लाल किले पर ख़त्म होती है। हमारे आदरणीय राष्ट्रपति द्वारा तिरंगा फहराया जाता है। इसी के बाद गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम शुरू किया जाता है। उस दिन नौसेना, थल सेना, वायु सेना के लड़ाकू विमान अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं। उस दिन हमारे देश के अनेक राज्यों की झांकियां दिखाई जाती है, अस्त्र शस्त्र प्रदर्शन किए जाते हैं और वीर गति को प्राप्त सैनिकों को हमारी सरकार से नवाजती है। उस परेड को देखने हजारों लोग आते हैं। वह परेड इतनी मनमोहक होती है कि वो हमारे मन को मोह लेती है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन हु इज प्रेजेंट ओवर हियर ऑन द प्रोस्पोरस ओकेशंस ऑफ रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द 26th ऑफ जनवरी। दिस ईयर इंडिया विल सेलिब्रेट इट्स 72nd रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड टू रिमेंबर द हिस्टोरिक मूवमेंट when our nation became an independent republic country. As we all know that India got its independence on 15th August 1947 and the country didn't have its own constitution. Instead, India was governed by the laws implemented by the British. However, after many deliberations and amendments, a committee headed by Dr. B.R. Ambedkar submitted a draft of the Indian constitution which was adopt on 26th November 1949 and officially came into effect on 26th January 1950. On the same day, Dr. Rajendra Prasad also began his term as the first President of India and the Constituent Assembly became the Parliament of India under provisions by the new Constitution. Thank you. Vande Mataram, Namah Tirange. अत्रोपस्थितेभ्य सर्वेभ्य मम विनीत प्रणामः। मम नाम दिव्यांश मधोक। अहम हैप्पी कैम्ब्रिज स्कूल नाम विद्यालय अष्टमी कक्षायां पठामि। अद वयम सर्वे स्वाधीन भारतस्य सप्तत्रिंशत् गणतंत्र दिनोत्सवः आचर्यणतः। गणतंत्र दिवसः भारतस्य प्रमुख राष्ट्रपर्व अस्ति। प्रतिवर्षे जनवरी मासस्य 26 दिनाङ्के गणतंत्र दिवसः भवति। अयम दिवसः बहु महत्वपूर्णः विद्यते। अयम हि दिवसो अस्माकं प्रिय भारत देशं एकः प्रजाप्रभुत्व राष्ट्र घोषितवन्तम्। अतः प्रतिवर्षं वैभवेन प्रजा राज्योत्सव आचर्यते। अस्मिन् दिने देशस्य सर्वेषु नगरेषु राष्ट्रध्वजारोहणं भवति। अस्मिन् दिवसे प्रमुखः समारोह राजधान्यां दिल्ल्यां समायोज्यते। सर्वेषु अद्भुत आनंद उत्साह देशभक्तिश्च दृश्यते। भारत देश सुखी राज्यं भवतु इति सदाशय सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय संविधान निर्माण कार्यस्य आरंभ अभवत्। अयम दिवसो अस्मान् भवन भारतीयान् भेदभावान् विस्मृत्य एक भावेन राष्ट्र रक्षार्थ राष्ट्र सेवार्थम च प्रेरयति। जय भारत मातरम। प्रभात, मैं काव्य 6ठी कक्षा का छात्र हूँ। आज मैं आप सबके सामने एक देशभक्ति कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है आओ अपने देश को धरती का स्वर्ग बनाए। कविता कुछ इस प्रकार है, आओ अपने देश को धरती का स्वर्ग बनाए। राष्ट्रीय एकता को अखंड बनाकर इस देश का मान बढ़ाएं, देश प्रेम का अलग जगाकर आजादी का जश्न मनाएं। आओ अपने देश को धरती का स्वर्ग मनाएं।
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में सद्भाव की ज्योत जलाए, जाति धर्म का भेद मिटाकर एक दूजे को गले लगाए। आओ अपने देश को धरती का स्वर्ग मनाए, वैर भाव नफरत को मन से सदा के लिए हटाए, सत्य अहिंसा और प्रेम से खुशियों का चमन बनाए। आओ अपने देश को धरती का स्वर्ग मनाए, लोकतंत्र की परिपाटी को उज्जवल हम बनाए, अन्याय भ्रष्टाचार और कलुष को जड़ से हम मिटाए। आओ अपने देश को धरती का स्वर्ग बनाए, अशिक्षा बेरोजगारी दूर हो ऐसा हम अभियान चलाए, मानवता आबाद रहे विश्व शांति का पाठ पढ़ाए। आओ अपने देश को धरती का स्वर्ग बनाए, राष्ट्र हित में हो समर्पित राष्ट्रीय चेतना को जगाए, नव भारत का निर्माण करे ओजस्वी पीढ़ी बनाए। आओ अपने देश को धरती का स्वर्ग मनाए, राष्ट्र जागरण का संकल्प लेकर आजादी का अमृत महोत्सव मनाए। आओ अपने देश को धरती का स्वर्ग मनाए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माय नेम इज भूमिका। आज मैं आपको गणतंत्र दिवस पर एक कविता सुनाने जा रही हूँ। यह उन दिनों की बात थी, चुनौतियों से भरी हर रात थी, जब वीर जवानों ने हमारे यह संदेश भिजवाया था, शहीद होकर अमर हो गए और देश आज़ाद करवाया था। हाँ यह देश गुलजार है, हवा में इसके प्यार है, छोटे बड़े सब अपने हैं, खुली आँखों में भी सपने हैं। हर परिंदा आज़ाद है, हर भाषाओं का अनुवाद है, हर बूंद में प्यास है, हर रस में मिठास है, रंगमंच है खुशियों का और भविष्य का भी अंजाम है, ज़्यादा या थोड़ा ही सही पर हर दिल में मौजूद कलाम है। थैंक यू। Hi, I'm Tarita. I did an essay class today, Republic Day. I will tell you one poem. तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम छोटे छोटे बच्चे हैं, तथ हमारे कच्चे हैं, हम भी लड़ने जाएंगे, हम भी लड़ने जाएंगे, दुश्मन को हराएंगे, दुश्मन को हराएंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे, झंडा हम फैलाएंगे, झंडा हम फैलाएंगे।
नमस्ते, मैं हिमांशी कक्षा 3 से
मैं आज आपके लिए गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे एक पोयम लेके आई हूँ। पोयम का नाम है हम बच्चे बलवान बनेंगे। हम बच्चे बलवान बनेंगे, मेहनतकश इंसान बनेंगे, इस धरती पर जन्म लिया है भारत माँ की शान बनेंगे। हाथों में फौलादी ताकत लेकर हम चट्टान बनेंगे, पर्वत जैसे ऊंचे उठकर भी ना कभी अभिमान करेंगे। सदा सुगंध लुटाने वाली फूलों की मुस्कान बनेंगे, नई राह पर चलने वाली हम आंधी तूफान बनेंगे। हम बच्चे बलवान बनेंगे, मेहनतकश इंसान बनेंगे। जय हिंद। गुड मॉर्निंग टू ऑल टीचर पेरेंट्स एंड माय फ्रेंड, माय नेम इज रोहन, क्लास फर्स्ट फ्रॉम हैप्पी कैलमी स्कूल। टुडे इज द पब्लिक डे। इट इज अ नेशनल फेस्टिवल ऑफ आवर कंट्री। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया came into force 26 January 1950. Republic, we celebrate Republic Day on 26 January. I wish you all very happy Republic Day. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. लंदन देखा, पेरिस देखा, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान, माइकल देखा, एल्विस देखा, सब देखा मेरी जान। सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान। हमको प्यार से इंडिया।
छोड़ दे दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। हमें तड़पाते हैं वो चिट्ठी आती है तो पूछे जाते हैं कि घर कब लाओगे, कि घर कब लाओगे, लिखो कब लाओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। मैं गया जहां भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी मुझको सलाम इंडिया। चुके तेरे आगे सर, तेरी गोद में
सलाम।